हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको नाग पंचमी की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत पहले की कहानी है। एक सेठ के सात बेटे थे, सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र, विद्वान और सुंदर थी और सुशील भी थी, लेकिन उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर निपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी टोकरी और डलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा कोई गलती नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी तुरंत लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई, घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस कर सांप से वादा जो किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात फिर से याद आ गई। सबको साथ लेकर वह पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा हुआ पाया। सांप बेचारा वहीं पर बैठा हुआ था। सांप भैया नमस्कार, सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो छोटी झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तू जो मांग ले, मांग ना चाहती हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सांप आदमी का रूप रखकर उसके घर गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ता में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और वह इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गए। वहां के बहुत सारा धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें सांप का मुंह पूरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत गुस्सा हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत सारा कपड़ा और आभूषण आदि देकर उसके घर पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने जलन से देख कहा, तेरा भाई तो बहुत बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह आवाज़ सुन ली, तब उसने सब सामान सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक आभूषण हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी की भी ने भी सुनी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर जल्दी आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी, छोटी बहू का हार पहनेगी वह, उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी सांप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में पहने तब तक के लिए वह सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीखने और चिल्लाने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा, वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर वहाँ चले गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरा और मणियों का हो जाएगा और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देखकर अभी पहनने को कहा। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना और हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात को सुनकर उसने खुश होकर उसे बहुत ही मुद्राई पुरस्कार दी। छोटी बहू अपने हार और इन सब सहित लेकर घर को लौट आई। उसके धन मुद्राए को देखकर बड़ी बहू ने जलने लगा और उसने तुरंत पति को सिखाया, छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि तुझे धन कौन देता है। वह सांप को याद करने लगी। तभी उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा, मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्री सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। कैसा लगा लाइक करके बताना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
साथ में मैं भी हूँ आप लोग को, ताकि ये ना लगे कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जाके वीडियो बनाता हूँ और मेहनत करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद आया हूँ, मैं हर जगह खुद जाने की कोशिश करता हूँ और वो साइकिल से ही जाता हूँ।